वेलकम बैक। आई एम आर के झा फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा। आज के इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4, आज हम एक्सरसाइज 4A शुरू कर रहे हैं, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट सॉल्विंग मेथड ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम किस किस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, पहले इस चीज को समझेंगे। तो सॉल्विंग मेथड्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक आता है फैक्टोराइजेशन मेथड, दूसरा आता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और तीसरा आता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिसको हम त्रिधारियाचारी रूल भी कहते हैं। तो पिछले सेशन में हमने इस चैप्टर का कुछ वीडियो बताया था, जिसमें हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक मिसिंग टर्म या दो मिसिंग टर्म कैसे निकाल सकते हैं। आज के इस सेशन में हम समझते हैं कि हाउ वी कैन सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखिए, फैक्टराइजेशन मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिफरेंट स्टेप्स आते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं ax² + bx + c, जहां a, b, c रियल नंबर्स होते हैं, a जीरो नहीं होते हैं। तो पहले हमें क्या करना रहता है कि हम a और c को मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद जो प्रोडक्ट आएगा उसको हम अरेंज कर देंगे। मैंने अरेंज करने के बाद ए और सी को मल्टीप्लाई करना है, उसमें जो मिडिल टर्म होगा उसको हम दो टर्म में स्प्लिट कर देंगे। तो चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c = 0 है, तो तीन ही टर्म है। जब बी को दो टर्म में स्प्लिट करते हैं तो इस तरह से उसमें चार टर्म बन जाते हैं, यानी दो पेयर बन जाते हैं। दोनों पेयर को हम अरेंज करने के बाद उस दोनों पेयर का एचसीएफ निकाल लेते हैं, और इस पीरियड में हमें दो फैक्टर्स मिल जाते हैं, तो दोनों फैक्टर से हम उसके रूट निकाल लेते हैं। इसको समझने के लिए मैंने कुछ क्वेश्चन लिया है, जैसे यहाँ एक क्वेश्चन है 2x² + x - 6 = 0। यहाँ a 2 है और b 1 है और c -6 है, तो हम a को और c को मल्टीप्लाई किया, यानी 2 को और -6 को मल्टीप्लाई किया तो -12 मिला। अब हम b को इस तरह से अरेंज करेंगे कि अब हमें दो नंबर ढूंढना है जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आएगा, और प्लस करेंगे तो +1 आएगा। तो उसका प्रोडक्ट कैसे होगा कि +4 को और -3 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम जानते हैं कि -12 होता है, +4 को और -3 को ऐड करते हैं, जोड़ते हैं तो +1 होता है। इस तरह से इसके मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाते हैं +4x - 3x। अब ये 2x² + 4x - 3x - 6 = 0, इस तरह से चार टर्म बन गया, और इस चार टर्म में ये एक पेयर बन गया 2x² + 4x, दूसरा बन गया -3x - 6। अब इसमें से हम कॉमन ले लिए 2x, तो 2x कॉमन लिए तो x + 2, और इसमें से हम -3 कॉमन ले लिए तो ये x + 2 = 0। इस तरह से 2x - 3 और x + 2 इसके दो फैक्टर्स हो गए। अभी दोनों फैक्टर से हम x का वैल्यू निकालेंगे, जैसे 2x - 3 = 0, -3 को उधर भेज दिए 2x = 3, तो x = 3/2। दूसरा फैक्टर था x + 2, x + 2 = 0, x = -2, इस तरह से 3/2 और -2 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सोल्यूशन हो गए। क्लियर। एक ऐसा भी क्वेश्चन रहता है जिसमें सी जीरो होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऐसा नहीं कि हमेशा इसी फॉर्म में होगा, कभी कभी बी जीरो होता है, कभी सी जीरो होता है, कभी ऑलरेडी फैक्टर के फॉर्म में होता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर एक क्वेश्चन लिया है 4x² + 5x = 0, इसमें c 0 है। जब c 0 होगा या b 0 होगा तो उसमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है। कब करना है? जब a, b, c तीनों अदर देन 0 होगा। इसमें देखिए c 0 है तो सीधे हम इसमें से कॉमन लिए, तो ओवरऑल इसका कॉमन x बन गया, और x कॉमन होने के बाद 4x + 5, इस तरह से x एक फैक्टर हो गया और एक 4x + 5 फैक्टर हो गया, तो x = 0 मिल गया, और एक 4x + 5 = 0, तो 4x = -5 हो गया, तो x = -5/4। इस तरह से x = 0, x = -5/4 यानी 0 और -5/4
इसके दो सोल्यूशन हो गए। ठीक है, एक ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है जिसमें बी जीरो हो, जैसे 3x²-243=0। अगर बी जीरो है तो इसमें हम सी को सीधे जीरो के उत्तर भेज देंगे, जैसे 3x²=243। अब 3 को उधर भेजेंगे तो x²=243/3, तो x² कितना आएगा, 3 8 3 1 जाए, यानी x²=81। अब स्क्वायर को हटाएंगे तो ये 81 अंडर रूट चला जाएगा, x=√81। 81 का रूट क्या होता है, +-9। इसका मतलब कि इसके भी तो दो सोल्यूशन होंगे, तो इसके दो सोल्यूशन, एक +9 भी हो गया और एक -9 भी हो गया। क्लियर। एक लास्ट इसमें फॉर्मेट आता है कि जब कभी कभी ऑलरेडी दो फैक्टर दिया होता है, तो जब दो फैक्टर दिया होता है तो बहुत क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। तो करना नहीं है इसको मल्टीप्लाई, क्योंकि अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा, ax²+bx+c=0 के फॉर्म में होगा। लेकिन हम जानते हैं कि फैक्टराइजेशन मेथड में फिर उसको दो फैक्टर तो लाना ही पड़ता है, तो ऑलरेडी ये दो फैक्टर दिया हुआ है, तो दोनों फैक्टर को जीरो से इक्वेट कर देंगे, 2x-3=0, तो x=3/2 हो जाएगा, और एक 3x+1=0, तो x=-1/3 हो गया। तो इस तरह से 3/2 और -1/3, इस तरह से इसके दो सॉल्यूशंस हो गए, और इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। फिर हम अगले सेशन में और कुछ क्वेश्चंस बना के समझाएंगे। थैंक यू।